2007 ODI वर्ल्ड कप जो हर एक इंडियन क्रिकेट फैन के लिए किसी बुरे सपने की तरह था। हमने तो इंडिया के लिए कुछ नहीं किया। लोग सड़कों पर उतर गए थे, अपनी ही टीम के लिए हाय हाय के नारे लगाए गए थे। मानव लोगों का भरोसा क्रिकेट के ऊपर से उठ सा गया था। इंडियन क्रिकेटर्स के पुतले जलाए गए, यहाँ तक कि प्लेयरों के घरों पर भी पत्थर बरसाए गए। बट फिर कैसे उसी साल एक इवेंट ने इस नफरत को सपोर्ट में बदल दिया और पूरे इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। 13 मार्च 2007, ये वही डेट थी जिस दिन से ODI वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला था। सभी इंडियन क्रिकेट फैंस इस बार इंडिया को वर्ल्ड कप में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, जो कि ऑब्वियस था बिकॉज इस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम काफी एक्सपीरियंस्ड और बड़े नामों से भरी हुई थी, लाइक सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ एंड मैनी मोर। सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि मानो इस बार वर्ल्ड कप इंडिया में ही आने वाला है। और फिर आता है मैच डे। डेट 17 मार्च 2007, इंडिया अपना पहला मैच खेलने उतरती है बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिसे हर एक इंडियन क्रिकेट फैन किसी बुरे सपने की तरह बुलाना ही चाहेगा बिकॉज उस दिन इंडिया का बैटिंग ऑर्डर ऐसे कोलैप्स करता है कि मानो उस दिन इंडियन जर्सी पहनकर जिम्बाब्वे के प्लेयर बैटिंग कर रहे हो। और इंडिया पहले बैटिंग करते हुए पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाती और 191 पर ऑल आउट हो जाती है, एक्सेप्ट सौरभ गांगुली एंड युवराज सिंह, जिसमें उन दोनों ने 66 और 47 रन की कमाल की पारी खेली थी। और इन दोनों के अलावा किसी के भी 15 से ऊपर रन नहीं थे और धोनी तो बिना खाता खोले ही 0 पर आउट हो गए थे। और फिर लोग इस हार से इतना ज्यादा नाराज हो गए थे कि सड़कों पर उतर गए थे और फिर ऐसी ऐसी चीजें करी जिसके बारे में प्लेयर्स ने कल्पना तक नहीं की होगी। लोगों ने प्लेयरों की तस्वीरें जलाना शुरू कर दी, उनके पुतलों को लटकाया गया, यहाँ तक कि उनके घरों पर भी पत्थर बरसाए गए। और अब इंडिया को नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए अपने अगले दोनों मैचेस जीतना कंपलसरी था। और फिर इंडिया अपना अगला मैच खेलने उतरती है बरमूडा के अगेंस्ट, जिस मैच को वो 257 रन के बड़े मार्जिन से आसानी से जीत लेती है। और अब इंडिया का नेक्स्ट मैच था श्रीलंका के अगेंस्ट, और इस मैच में श्रीलंका पहले बैटिंग करते हुए 255 रन का एक नॉर्मल सा टारगेट देती है। और पता है, इंडिया इस नॉर्मल से टारगेट को भी चेस नहीं कर पाती और 181 पर ऑल आउट हो जाती है। और जिस दिन इंडिया ये मैच हारी उस दिन डेट थी 23 मार्च 2007। इस दिन हर एक इंडियन का वर्ल्ड कप का सपना चूर चूर हो गया था। और जब इंडियन टीम इंडिया में लैंड हुई तो मीडिया के कैमरे और बड़े बड़े लाइट्स ने पूरी टीम को घेर लिया और अब इंडियन टीम अपनी रेपुटेशन पूरी तरीके से खो चुकी थी। और अदर हैंड, इस ODI वर्ल्ड कप के 6 महीने बाद एक और न्यू फॉर्मेट का वर्ल्ड कप होने वाला था, T20 वर्ल्ड कप। और ये T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन था जिस पर लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही इस वर्ल्ड कप की ODI वर्ल्ड कप की तरह ज्यादा एड्स और प्रोमोस हुए। ये वर्ल्ड कप 2007 में सितंबर के महीने में साउथ अफ्रीका में होने वाला था और इससे पहले इंडिया ने खाली एक ही T20 इंटरनेशनल मैच खेला था, वो भी साउथ अफ्रीका के गेम्स, जो कि इंडिया ने जीत लिया था। बट इस वर्ल्ड कप में उस समय के 3 लेजेंड सचिन, द्रविड़ और गांगुली अपना नाम वापस ले चुके थे। और फिर एक यंग इंडियन स्क्वाड तैयार की जाती है विद यंग कैप्टन MS धोनी। एंड सो फास्ट फॉरवर्ड टू सितंबर, ये T20 वर्ल्ड कप 11 से 24 सितंबर तक चलने वाला था और इसमें टोटल 12 कंट्रीज खेलने वाली थी एंड तीन तीन टीमों के 4 ग्रुप बना दिए जाते हैं। और इंडिया के ग्रुप में होती है स्कॉटलैंड एंड पाकिस्तान और हर ग्रुप से नेक्स्ट राउंड के लिए टॉप 2 टीम्स क्वालिफाई करने वाली थी, जिसमें इंडिया का फर्स्ट मैच था स्कॉटलैंड के अगेंस्ट जो बारिश की वजह से टाई हो जाता है। और फिर इंडिया को नेक्स्ट गेम पाकिस्तान के खिलाफ जीतना कंपलसरी था और ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच आज भी इंडियन क्रिकेट फैंस के मन में किसी अच्छे सपने की तरह बसा हुआ है बिकॉज ये मैच टाई हो गया था और उस समय सुपर ओवर की बजाय बॉल आउट होता था और इंडिया इसमें पाकिस्तान को 4-0 से हरा देता है और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाता है। और फिर नेक्स्ट ग्रुप में इंडिया का फर्स्ट मैच होता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जिसमें गौतम गंभीर 51 रन और वीरेंद्र सहवाग 40 रन की कमाल की पारी खेलते हैं। बट इंडिया ये मैच 10 रन से हार जाता है और फिर नेक्स्ट मैच इंडिया का इंग्लैंड से होता है जिसमें युवराज सिंह स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 पे 6 छक्के मार के हिस्ट्री बना देते हैं। और इसी मैच से वापस से सभी लोगों ने इंडियन टीम को सपोर्ट करना चालू कर दिया था और युवराज सिंह के 6 पे 6 छक्कों के बदौलत इंडिया ये मैच 18 रन से जीत जाती है। एंड नेक्स्ट मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का था और ये मैच दोनों टीमों के लिए मस्ट विन गेम था बिकॉज जो मैच जीतता वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाता। और इस मैच में रोहित शर्मा के 50 के बदौलत इंडिया साउथ अफ्रीका को 154 रन का टारगेट देती है और फिर मानो RP सिंह पूरी साउथ अफ्रीकन बैटिंग को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं और 4 ओवर में 13 रन देकर 4 विकेट्स ले लेते हैं। और इस कमाल के स्पेल के बदौलत इंडिया साउथ अफ्रीका को 116 पर ही रोक
रोक देती है और सेमीफाइनल में जगह बना देती है। और अब इंडिया को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना था, जो 6 महीने पहले ही वर्ल्ड कप में हैट्रिक बनाकर आ रही थी। और फिर आता है मैच डे, इंडिया पहले बैटिंग करने उतरती है और इंडिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है। वीरेंद्र सहवाग 9 और गौतम गंभीर 25 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर बैटिंग करने आते हैं युवराज सिंह, जो पूरा मोमेंटम शिफ्ट करके रख देते हैं और 30 बॉल पर 70 रन की कमाल की पारी खेलते हैं और इंडिया का स्कोर 188 तक पहुंचा देते हैं। अब जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 189 रन को चेस करना था, जहां पे श्रीशांत कमाल ही कर देते हैं। वो अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 12 रन देकर 2 विकेट ले लेते हैं और उसमें से एक मेडन ओवर भी डालते हैं, जिसके बदौलत इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 173 पर ही रोक देती है और ये मैच 15 रन से जीतकर फाइनल में पहुंच जाती है। एंड अब फाइनल था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच। दोनों टीमों के लिए टूर्नामेंट जीतना काफी जरूरी था, बिकॉज दोनों टीम 6 महीने पहले अपनी इज्जत खो चुकी थी, क्योंकि जब इंडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट हारा था तो उसी रात पाकिस्तान भी आयरलैंड के अगेंस्ट हार गया था। दोनों टीम वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हो चुकी थी और दोनों के लिए ये फाइनल जीतना काफी जरूरी हो गया था। और अब बारी थी वर्ल्ड कप फाइनल मैच की, जिसमें इंडिया पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 158 रन का टारगेट देती है, जिसमें गौतम गंभीर 75 रन की एक क्रूशियल नॉक खेलते हैं और रोहित शर्मा लास्ट में 30 रन बनाकर कमाल का फिनिश देते हैं। अब पाकिस्तान को जीत के लिए 158 रन बनाने थे। और अब बारी आती है इंडियन बॉलिंग की, जिसमें आरपी सिंह स्टार्टिंग में आकर पाकिस्तान की 2 विकेट ले लेते हैं और एक रन आउट को जोड़ दे तो पाकिस्तान की 53 पर 3 थी। एंड आगे ऐसा चलता ही रहता है, पाकिस्तान के विकेट गिरते रहते हैं और थोड़े बहुत रन बनते रहते हैं और ऐसे ही चलते चलते पाकिस्तान का स्कोर होता है 141/9। एंड अब उन्हें लास्ट ओवर में 13 रन चाहिए होते हैं और इंडिया और वर्ल्ड कप के बीच में खड़े थे मिसबाह और फिर धोनी अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, वो आखिरी ओवर देते हैं जोगिंदर शर्मा को। एंड जोगिंदर शर्मा अपना पहला बॉल प्रेशर में आकर वाइड डाल देते हैं और अब 6 बॉल पर 12 रन चाहिए होते हैं। एंड नेक्स्ट बॉल जोगिंदर शर्मा डॉट करा देते हैं और अब 5 पर 12 चाहिए होते हैं। एंड फिर अगली बॉल पर मिसबाह कमाल का छक्का लगाते हैं और अब पाकिस्तान को जीत के लिए 4 बॉल पर सिर्फ 6 रन चाहिए होते हैं। फिर पता नहीं मिसबाह को एकदम से क्या होता है, वो अगली ही बॉल पर पीछे का शॉट मारने का ट्राई करते हैं और अपनी कैच श्रीशांत को दे बैठते हैं। एंड पाकिस्तान ये मैच 5 रन से हार जाती है और T20 वर्ल्ड कप का फर्स्ट एडिशन इंडिया अपने नाम कर लेती है। और क्या आपको लगता है इंडिया 2007 की तरह ही कुछ कमाल करके 2024 का वर्ल्ड कप भी जीतने वाली है? मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना।